बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको मालूम है कि इंसान का करेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसे घर में किसी लॉकर में नहीं रखा जा सकता या तिजोरी में नहीं रखा जा सकता। इंसान का करेक्टर ही एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों के में चौक और चौराहे में दिखता है और नज़र आता है, जो मुआशरे में सबसे ज़्यादा नुमायाँ होता है। वो चाहे या ना चाहे, लेकिन वो अपने करेक्टर को छुपा कर नहीं रख सकता कि नहीं, आज मैं ऑफिस जाऊँगा, आज मैं फलां महफिल में जाऊँगा तो करेक्टर को घर छोड़ जाता हूँ। नहीं, ये आपके साथ साथ ट्रैवल करता है, ये आपके साथ साथ रहता है। लिहाजा आप चाहें या ना चाहें, लोगों पे आपका करेक्टर जाहिर हो रहा है। लोग आपके जो आपके करीब हैं वो आपके करेक्टर से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, जो थोड़े दूर हैं वो ज़रा कम वाकिफ़ हैं। लेकिन जैसे ही वो भी दूर वाले भी आपके करीब आएंगे, तो वो भी आपके आपकी आदत से, आपकी खूबियों से, आपकी खामियों से वाकिफ़ हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो भी वो मेरे साथ रवैया रखेंगे, वो मेरे उस करेक्टर की बुनियाद पर रखेंगे जो माशरे में मैंने मुतारफ करवा रखा है। अब मैं कर्ज किया करता हूँ, लोग कहा करते हैं कि वो फलां ने फलां पर ये तोहमत लगा दी है, कोई सख्त तोहमत कह दीजिए, कोई इल्ज़ाम लगा दिया है। तो मैं ये कहा करता हूँ कि करेक्टर वाले आदमी जो होता है, जिसका करेक्टर स्ट्रांग होता है, उस पर तोहमत लगने का सबसे ज़्यादा बेनिफिशली वो खुद होता है जिसके ऊपर तोहमत लगाई जा रही होती है, जिसके ऊपर तोहमत लग रही है। क्यों? कि उसका करेक्टर लोगों के सामने है। लोग बता रहे होंगे कि नहीं, ये ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये झूठी बात है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई है ही, वो क्या कहते हैं कि करेक्टर ही ढीला है, अगर अगर उसमें हर बात की गुंजाइश मौजूद है, उस करेक्टर में झूठ भी बोला बोलने का लोगों ने बोलते देखा है, चोरियां करते भी देखा है, रिश्वत वसूल करते रिश्वत देते हुए भी देखा है, तो जब करेक्टर का आलम ये है, तो फिर अगर कोई हवा में भी बात कर देगा कि भाई फलां इस तरह का है, तो लोग फौरन मान जाएंगे। क्यों? आप हजार कहते रहे मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ये चोरी नहीं की, मैंने रिश्वत नहीं ली, मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन लोग मेरे कहने से नहीं, लोगों ने मुझे देखा हुआ है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ, लोगों ने मुझे देखा हुआ है कि मैं रिश्वत ले सकता हूँ, लिहाजा लोग मान जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कुछ नहीं करता और मेरे ऊपर यही तोहमत और इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं, तो फिर यकीन जानिए, फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लोग कहा करेंगे कि नहीं, ये इल्ज़ाम है, ये बोहतान है इस बंदे के ऊपर। लिहाजा अपने करेक्टर को मैं अर्ज़ करूँगा, अपने करेक्टर को इतना मजबूत कीजिए, इतना स्ट्रांग कीजिए कि लोग आपकी गवाही में खड़े हो जाएं कि आप अच्छे और भले आदमी हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, तो फिर जाहिर है लोग तो फिर भी गवाही में खड़े होंगे, लेकिन फिर ये कहेंगे कि करैक्टर ढीला है।